हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और मेरा ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइस, तो प्लीज़ पूरा वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक करें और कॉमेंट करें पहले ही मत कर दीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के ब्लॉग में ना बस मैं यही लगी हूँ, जैसे कि सबको पता है सर्दियाँ शुरू होने से पहले और गर्मी आने से पहले हमें एक जंग से लड़ना पड़ता है, तो वही जंग मैं आज लड़ना शुरू कर रही हूँ। और ये जंग बहुत ही मुश्किल से मैं लड़ पाई हूँ। अभी वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। तो पता है घर का सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है और बच्चे की छुट्टी थी, बच्चों का मतलब पेपर चल रहा है तो छुट्टी ही चल रही है, कभी छुट्टी कभी पेपर है। तो जिस दिन इन लोगों की छुट्टी थी तो मैं भी अपने काम लेकर के बैठ गई हूँ ताकि थोड़ा सा मदद हो जाए। और इन लोगों के साथ जो है मेरा काम, मदद तो कम ही होता है मगर इन लोगों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो चीज़ मुझे ही झेलना पड़ता है, तीनों का झगड़ा शांत करवाना पड़ता है। तो आज मैं करने वाली हूँ बेड की क्लीनिंग, यानी कि बेड के सारे कपड़े मैं बाहर निकालूंगी और फिर से कपड़े को सेट करके रखूँगी। बेड की क्लीनिंग मुझे इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी वाले जो कपड़े हैं ना वो थोड़े से, मतलब थोड़े से तो एक एक करके मैं डाल दी थी बेड में, और बाकी के कपड़े एक बैग भर के अलग रखा हुआ और एक तो मैं ऐसे ही दुपट्टे में बांध करके रखी हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है। बस यही मेरे पास एक बेड है सिंगल वाली और कहीं अलमारी अलमारी है ही नहीं कि उसमें मैं भर के रखूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है कपड़ा रखने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है कपड़ा रखने के लिए। गाइस पहले क्या था ना कि यही बेड खाली रहता था, इतना नहीं भरा रहता था क्योंकि बच्चे और थोड़े छोटे थे और इतना कपड़ा नहीं था। पता नहीं कैसे मतलब एक एक कपड़ा करते करते इतना ज़्यादा कपड़ा भी हो गया। और वो चीज़ भी है, बच्चों का स्कूल के ही दो दो सेट हो जाते हैं, तीनों बच्चों का दो दो सेट, तो समझ लीजिए कि छः सेट तो इन्हीं का हो गया, फिर मेरा हो गया, सूरज का हो जाता है, हस्बैंड जी का तो खैर उनके तो बेचारे के कपड़े काफ़ी ज़्यादा कम है, घर में सबसे ज़्यादा कम कपड़े उन्हीं का है और मुझे लगता है कि घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही हैं। तो वही सारा सामान मैं बेड में से अभी निकाल करके रख रही हूँ और निकालते निकालते ना ही मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो बैठ बैठ करके कभी मूड एकदम से ख़राब हो गया था गाइस। और जैसे ही सारे कपड़े बेड के मैं निकाल दी एकदम ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मगर कारण ये है कि गुस्सा निकालूँ किस पे समझ ही में नहीं आ रहा था, बस अपने अंदर अंदर ही घुट के रह गई मैं क्योंकि किसके ऊपर गुस्सा निकालूँ। और ये है ना कि मेरे घर में अभी ज़रूरत है या तो एक अलमारी की या तो फिर डबल बेड की, क्योंकि बच्चे बड़े हैं और फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो अभी कपड़े को रखने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कपड़े रख ही नहीं पाती हूँ। कपड़े का कोई भी सामान जो है वो नहीं रखने का जगह है। ऐसे तो मैं एक दो तीन बैग, मतलब दो तीन बैग बना रखी हूँ तो उसी में करके रख देती हूँ, तो तीन से चार बैग तो स्वेटर स्वेटर ही हो गए थे। और छोटे से बेड में जगह ही कितना रहता है आपको पता भी है कि कितना जगह, तो थोड़ा सा ही जगह रहता है। सोच कर देखिए तो अजीब लगता है ना कि समय कैसे इतनी जल्दी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने रूटीन में, डेली के रूटीन में, कि हमें पता ही नहीं चलता है और लगता ही नहीं है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं और उसको मतलब निभा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वही सब मेरे दिमाग में चल भी रहा था और मैं काम भी कर रही थी कि मतलब एक समय था कि ये बेड पूरा खाली ही रहता था, क्योंकि होता है ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है, बदल जाता है क्योंकि बच्चे छोटे थे। और मैं पहले एक छोटे से कमरे में मैं रहती थी, एक छोटा सा कमरा था, उसी में खाना भी बनता था और उसी कमरे में हम लोग सोते भी थे किराए पे, तो अभी भी रह रहे हैं, पहले भी किराए पे ही रहते थे जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं आई हूँ यहाँ परदेश में ससुराल, मतलब ससुराल तो जाती हूँ तो जब से यहाँ रह रही तब से किराए पे ही रह रही हूँ। तो यह है कि उसी में खाना भी मैं बनाती थी और फिर उसको साफ़ करके उसी में बिस्तर लगा करके सो भी जाती थी, मगर फिर भी उसमें थोड़ा बहुत जगह खाली ही हो जाता था। तो सोच कर देखिए तो ये लगता है ना कि इंसान को जितना जो भी मिले उतना कम ही लगता है कि नहीं, चाहे कितना भी घर बड़ा हो जाए फिर भी हमें लगता है कि नहीं छोटा है और जगह कम ही है और होना चाहिए था। यही चीज़ बस दिमाग में चल रहा था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोग बताइएगा आप लोगों के दिमाग में भी चलता है क्या? मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि कुछ भी कुछ चलते ही रहता है। और यहाँ देखिए सारा सामान बेड में मैं निकाली, फिर बेड में सफाई की, उसके बाद सारा एक एक करके मैं सेट की
और कुछ वेट से सामान मैं बाहर भी निकाली हूँ, जो कि होता है ना, काफ़ी दिन से रखा हुआ हो, पहनने लायक नहीं हो, यूज में आने लायक नहीं हो, तो उसको मैं निकाल दी हूँ। मैं क्या करती हूँ कि दरी वाले भैया आते हैं गली में, तो उन्हीं से कपड़ा दे करके दरी या बेडशीट कुछ भी ले लेती हूँ, तो वो कपड़ा ये है कि चला जाता है। और आजकल ऐसा भी है कि किसी को हम दे भी नहीं सकते हैं, कुछ गलत सोच लेते हैं। तो अगर साड़ी और दुपट्टा रहता है तो उसको तो मैं फाड़ करके यूज कर लेती हूँ पैरदान वगैरह बनाने के लिए, मगर जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, जीन्स भी मैं यूज कर लेती हूँ, बैग वैग बना लेती हूँ, मगर जो ऐसे तरीके के होते हैं ना, जैसे मोटे मोटे फ्रॉक हो गए, उस तरीके का कपड़ा वो नहीं यूज कर पाती हूँ, तो उसको मैं निकाली हूँ। और कुछ गर्मी के कपड़े भी अपने निकाली हूँ, हल्की हल्की साड़ियाँ। और ये जो अभी दरवाजे के पास देख रहे हैं, ये सारे कपड़े वैसे हैं जो मैं कट्टा में भर कर दरी वाले भैया को दे दूंगी। और ये जो कपड़े हैं वो मुझे अभी सेट करके अलमारी पे रखना पड़ेगा, और दोनों कपड़े में इधर उधर मिक्स हैं, यानी कि दोनों में से भी छांटना ही पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए, एक मैं बोरी पर रख रखी हूँ कट्टा, उसी में मैं भर के जो भी यूज के कपड़े नहीं होते हैं, यानी कि जो मुझे नहीं रखना होता है, उसको मैं साथ के साथ निकाल करके और इसी में भरते जाती हूँ। तो ये बोरी भी जो है ना, वो पूरा एकदम भर चुका है गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं इसमें ठूस ठूस करके भर रही हूँ। तो इसी तरीके से कुछ ज़िंदगी जो है वो चल रही है, चाहे चल रही है या झेल रहे हैं, जो भी समझ लीजिए। मुझे तो लगता है कि पता नहीं कब कैसे इतना समय निकल गया, पता ही नहीं चलता है। बच्चे भी इतने बड़े हो गए, ऐसा लगता है कल ही की तो बात है, सब छोटे छोटे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, रो रहे थे, और अब इतने बड़े हो गए। और लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ी हो जाती हैं गाइस। और सारा सामान सेट हो चुका है, मैं बेड के अंदर कपूर की गोली भी डाली थी और बैग में भी कपूर की गोली डाली थी, और भी मैं दो साड़ी भी निकाली हूँ अपनी, उसमें मुझे पीको करवाने हैं, तो वो पीको करवाऊँगी। और हल्की हल्की जो साड़ियाँ थी वो मैं निकाल ली हूँ, ताकि गर्मी में पहनने के लिए यूज कर दूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, सारा दिन लग गया था बेड की ही क्लीनिंग और सफाई करने में, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर राधिका को साथ में लेकर के गई सब्जी लाने, क्योंकि सब्जी में कुछ भी नहीं था, बस आलू और प्याज था घर में, और ऐसा है कि बिना सब्जी के तो चलना नहीं है, दोनों टाइम सब्जी चाहिए ही, दाल भी बनता है ना मेरे घर में, फिर भी मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, मगर मेरे हस्बैंड जी को है ना कि दाल के ऊपर भी कुछ ना कुछ सब्जी, साग या चोखा या भुजिया कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो सब्जी लेने गई तो राधिका कब से बोल रही थी कटहल लाने के लिए, तो वही मैं कटहल लाई थी। तो यहाँ पे आलू और कटहल की सब्जी और चावल बना रही हूँ, और खाना बन रहा है। और इसी के साथ जो है आज का जो वीडियो है मैं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब।